जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट 24 अगस्त को पेपर हो चुका है, जिसमें मैथमेटिक्स के 18 क्वेश्चन आए कुल मिलाकर। मैं 18 के 18 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोज में क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी सवाल आए हैं, लगभग 2 सवाल थे इसमें, बाकी डिस्काउंट के सवाल थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी सवाल हैं, किस टाइप के आए, कैसे सवाल हैं, उनको देख लीजिए। वैसे ही क्वेश्चन आपको आगे के शिफ्टों में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये है, देखिए पहला क्वेश्चन आया था आपका 135 वाला, यानी कि 135वें नंबर का जो सवाल है वो आपको देखने को मिलेगा। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य, मेरे भाई यहाँ बोला है 72 पुस्तकों का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 60 पुस्तकों के एसपी के बराबर है। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो इसको करेंगे 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60। तो मैं अगर यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालता हूँ तो कितना आएगा? 5:6। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर पहले 5 रुपये की थी तो वह अब कितने की हो गई? 6 की हो गई। मेरे भाई उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो 1 का प्रॉफिट हुआ आखिरकार कितने पर हुआ? तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, 5 पर होगा, और 100% निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 20×5 = 100, यानी कि 20% इस सवाल का सही जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आप कहोगे इतना सवाल सरल क्यों करा रहे हो? तो मेरे भाई जो आपके पेपर में आया है मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से था, डिस्काउंट के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो दूसरा सवाल था वो था 136 सवाल। इसको देखिए, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है, मेरे भाई प्राइस की बात करते हैं एक बार, और दूसरी तरफ हम क्वांटिटी की तरफ बात करते हैं, क्वांटिटी की तरफ। कहने का मतलब यह है कि 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है, यानी कि प्राइस अगर 50 रुपये है तो खरीदा कितने जाते हैं? 60। 50 रुपये में मान लीजिए कि 60 केले खरीदे जा सकते हैं, 50 रुपये में 60 केले, 60 रुपये में 50 की दर से उसने बेच दिया, यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया था? खरीदा था, यानी कि हम सीपी के साथ जा सकते हैं। बाद में उसने इसको बेच दिया कितने में? 60 रुपये में 50 केले की दर से। कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट ही तो हुआ है मेरे भाई। भाई 50 के हिसाब से 60 खरीदे थे, अब 60 के हिसाब से 50 बेच दिए, तो मेरे भाई प्रॉफिट हो गया। रेशियो हटाने के लिए इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो को इस जीरो को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो चाहो तो आप इसे हटा ही सकते हो, जीरो का कोई महत्व यहाँ पर ना बचेगा। क्लियर है कि नहीं? अब जब भी ऐसे सवाल को करते हैं तो पहले मेरे भाई क्वांटिटी को सेम करते हैं, यानी कि पहले यहाँ क्वांटिटी 5-6 है तो यहाँ 5 का गुणा कर दो, यहाँ 5 है तो 6 का गुणा कर दो। जो मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है वही मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा, वही मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? देखो 5×6 = 30 हो गया, और 5×6 = 30। अब आपने 30 ही खरीदे थे केले और 30 ही केले बेच दिए, फर्क क्या पड़ेगा इससे मेरे भाई? 25 रुपये में आपने 30 केले खरीदे थे, अब 36 रुपये में 30 केले बेच दिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको प्रॉफिट हो गया, 25 से 36 पे जाने के लिए 11 का प्रॉफिट हुआ। और किस पे प्रॉफिट हुआ? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि 25 पर प्रॉफिट हुआ। 100 का गुणा कर देंगे, परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो 25 × 100, 11 × 44, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे भाई, 44% का इसमें प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इस शिफ्ट में 2 ही सवाल आए थे, दोनों के दोनों सवाल मैंने आपको करा दिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी डिस्काउंट के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।